हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली के करेंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 4 फरवरी और आज हम 4 फरवरी से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूँ, अगर आपने हमारे चैनल स्टूडेंट अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टूडेंट अफेयर्स, जहां पर आपको जानकारी मिलेगी डेली के करंट अफेयर्स के साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, भारतीय रेलवे के द्वारा अमेजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पहला रेलवे स्टेशन पिकअप कियोस्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पहला रेलवे स्टेशन पिकअप कियोस्क मुंबई के 4 रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किया जाता है। और बात करें अगर रेलवे स्टेशन पिकअप कियोस्क की, तो ये कस्टमर्स को रेलवे स्टेशन पर पैकेज लेने की अनुमति देगा। और इसके साथ ही साथ बता दूं, हाल ही में अमेजॉन इंडिया के द्वारा कोलकाता रेलवे स्टेशन में अपना दूसरा पिकअप कियोस्क स्थापित किया जाता है, यानी कि लेटेस्ट कोलकाता और सबसे पहले नंबर पर मुंबई। वहीं अगर मैं बात करूं भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे की, तो इसका फॉर्मेशन 8 मई 1845 को होता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में भारतीय रेल के मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं और वहीं सुनीत शर्मा इसके चेयरमैन और सीईओ हैं। वहीं अगर हम बात करें अमेजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसका फॉर्मेशन साल 1995 को होता है और ये एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसके फाउंडर का नाम जेफ बेजोस है और इसका हेडक्वार्टर यूएस के वॉशिंगटन में है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में तंगी एप्लीकेशन डू इट योरसेल्फ किस बहुराष्ट्रीय उत्पादन कंपनी के द्वारा प्रारंभ की गई है, यानी कि हाल ही में तंगी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या अमेजॉन। तो इसका सही आंसर है 31 जनवरी को गूगल के द्वारा इस एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की जाती है। और वहीं मैं बात करूँ अगर इस एप्लीकेशन की, तो ये एप्लीकेशन गूगल का वीडियो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है जिसकी कंपैरिजन हम टिकटॉक से कर सकते हैं। वहीं बात करूं गूगल की, तो ये अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका फॉर्मेशन 4 सितंबर 1998 को होता है और इसके फाउंडर का नाम लैरी पेज और सार्जिन ब्रिन है। वहीं बात करें अगर माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसका फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1975 को होता है और इसके फाउंडर का नाम बिल गेट्स और पॉल एलन है। और बात करें फेसबुक की, तो इसका फॉर्मेशन 4 फरवरी 2004 यानी कि 16 साल पहले होता है और इसका हेडक्वार्टर यूएस यानी कि अमेरिका में है और इसके फाउंडर का नाम मार्क जकरबर्ग है। और अमेजॉन एक ई कॉमर्स कंपनी जिसके फाउंडर का नाम जेफ बेजोस है। हमारा अगला सवाल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा नो फ्लाई सूची नियमों में कुल कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो हाल ही में जारी नो फ्लाई सूची में कुल 3 चरण निर्धारित किए जाते हैं और ये नियम सिविल एविएशन के मिनिस्टर के द्वारा लागू किए जाते हैं और प्रेजेंट में सिविल एविएशन के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं। हमारा अगला सवाल, उत्तराखंड का वो कौन सा शहर है जहां ट्यूलिप गार्डन को स्थापित किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड की सरकार के द्वारा राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाता है और इसकी लागत 50 करोड़ रुपए होती है। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ, ये गार्डन 50 हेक्टेयर की भूमि में फैला होगा और ये गार्डन ONGC लिमिटेड द्वारा अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के तहत स्थापित किया जाता है। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, उत्तराखंड का ये टूलिप गार्डन हमारे भारत का तीसरा टूलिप गार्डन होगा क्योंकि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के क्षेत्र सानासार गांव में एक टूलिप गार्डन बनाया गया है और दूसरा श्रीनगर में बनाया जाता है। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड के CM का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर का नाम बेबी रानी मौर्य है। हमारा अगला सवाल, केंद्रीय वित्तीय बजट 2020-21 में कॉरपोरेट ब्रांड विदेशी संविभाग निवेश का प्रतिशत कितना तय किया गया है, यानी कि फॉरेनर्स कॉरपोरेट ब्रांड में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो हाल ही में 1 फरवरी के द्वारा जारी बजट के अनुसार कॉरपोरेट ब्रांड में विदेशी संविभाग निवेश यानी कि विदेशी इन्वेस्टर्स का जो परसेंटेज है वो 15% तय किया जाता है और इसके पहले यह सीमा 9% पर तय की गई थी। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ, केंद्रीय वित्तीय बजट 2020-21 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लागू की जाती है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर आत्मनिर्भरता वर्ड को चुना है। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ, साल 2017 में आधार को, साल 2018 में नारी शक्ति और साल 2019 में संविधान को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस बैंक ने बैंक के IT इंफ्रा के ऑडिट के लिए
प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी की नियुक्ति की है, तो हाल ही में ऐसा करने वाली बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक के आईटी इंफ्रा के ऑडिट के लिए प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी की नियुक्ति की है। और ऐसा करने का रीज़न ये होता है क्योंकि हाल ही में बैंक का आईटी प्लेटफॉर्म कई बार बंद हो चुका था, जिसके चलते रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य डिजिटल सेवाओं को लॉन्च करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि इसके बारे में बता दूं, ये सब अभी चालू हो गया है। वहीं मैं बात करूं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को होता है और वर्तमान में इसके गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास जी है। बात करूं यस बैंक की, तो 2004 में इसका फॉर्मेशन होता है और इसके चेयरमैन का नाम सुनील मेहता है। वहीं बात करें अगर केनरा बैंक की, तो साल 1969 में इसका फॉर्मेशन होता है और इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलोर में है। वहीं मैं बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसका फॉर्मेशन 20 जुलाई 1908 को होता है और इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है। वहीं इसके फाउंडर का नाम सयाजी राव गायकवाड़ है। हमारा अगला सवाल, किस भारतीय मूल की अमेरिका वासी को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है, हाल ही में भव्या लाल को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया जाता है। और इनके बारे में बता दूं, भव्या लाल स्पेस साइंटिस्ट हैं और इसके साथ ही साथ ये बाइडेन की ट्रांजिशन टीम में भी शामिल हो चुकी हैं। और इसके साथ ही साथ ही साल 2005 से 2020 तक एसटीपीआई के डिफेंस एनालिसिस विंग में मेंबर और रिसर्चर भी रह चुकी हैं। हमारा अगला सवाल, भारत के किस राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हैं? तो हाल ही में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए केरल सरकार समझौते पर हस्ताक्षर करती है और ये समझौता एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोसाइटी और NESTS के बीच होती है, यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। वहीं अगर हम बात करें केरल की, तो केरल के CM का नाम पिनराई विजयन और गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। वहीं बात करें गुजरात की, तो गुजरात के CM का नाम विजयाभाई आर रूपानी और गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। बात महाराष्ट्र की करें, तो महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। और पंजाब के CM का नाम अमरिंदर सिंह और गवर्नर का नाम VP सिंह बडनोरे है। वहीं बात इनके कैपिटल्स की करें, तो गुजरात के कैपिटल का नाम गांधीनगर, महाराष्ट्र के कैपिटल का नाम मुंबई, केरल के कैपिटल का नाम तिरुवनंतपुरम और पंजाब की चंडीगढ़ है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस देश की सेना ने और एक साल के लिए देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित कर दिया है? तो इसके ऑप्शन है जापान, म्यांमार, बांग्लादेश या ऑस्ट्रिया। सो गाइस, इसका सही जवाब है म्यांमार। यानी कि म्यांमार देश की सेना ने और एक साल के लिए देश में आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। और इसके साथ ही साथ बता दूं, म्यांमार की शक्तिशाली सेना ने देश की राज्य काउंसलर आंग सान सू की और कई अन्य नागरिक नेताओं को भी हिरासत में ले लिया है। और इसी के साथ ही साथ सरकार और सेना के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। यही एक कारण है कि म्यांमार में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित किया गया है। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, तो आपको PDF की लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।